జయ జయ మాధవ దయతే ఉన్నా ఆవిర్భావ ఇస్మే జగత్ మే హువా ఉస్పే కై కథాయే హై నా तो अलग अलग आचार्य कहते हैं कि अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से लीला हुई है। तो एक वर्णन आता है कि जो विंध्य पर्वत है, तो विंध्य पर्वत को हिमालय पर्वत से ईर्ष्या हुआ। तो क्यों ईर्ष्या हुआ? क्योंकि हिमालय पर्वत की जो पुत्री हैं उनके पति तो शिव हैं, है ना, इतना बड़ा सम्मान की बात है। तो इनको भी ऐसी इच्छा थी कि कोई मेरा, अब इनके अंदर ये इच्छा हुई विंध्य पर्वत के कि मेरा जो दामाद हो वो इतना पावरफुल हो कम से कम कि वो शिव को हरा दे, क्योंकि हिमालय के दामाद शिव हैं, तो मेरा दामाद शिव को हराने वाला होना चाहिए। अब दामाद तो तब होगा जब बेटी होगी, अब इनकी बेटी भी नहीं थी, तो इनका अब क्या करें। तो उन्होंने तपस्या किया, इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और इन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरे को ऐसा एक, मेरा ऐसा दामाद हो कि वो शिव को हरा दे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। बाद में ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कैसे संभव है, शिव को हराने वाला तो कोई नहीं है, तो अब कैसे, मैं वरदान तो दे के आ गया लेकिन अब मैं कैसे इसको पूरा होगा, शिव को कौन हरा सकता है भाई। तो ब्रह्मा जी ने काफ़ी दिमाग चलाया, काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने कुछ, उनको कोई नहीं है, कोई नहीं मिला, अभी शिव को कौन हराएगा। तो उनको फाइनली यही समझ में आया कि भाई शिव को हरा सकते हैं तो सिर्फ विष्णु कृष्ण। अब कृष्ण कैसे इनके दामाद बनेंगे, कृष्ण इनके दामाद बने माने राधा रानी इनकी बेटी बने। अब राधा रानी इनकी बेटी बने माने राधा रानी तो अनंत काल से जो उनकी माँ है कीर्तिदा उनकी बेटी हैं। तो ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा ये, वरदान तो दे दिया था। तो फिर उन्होंने राधा रानी की तपस्या करी, बहुत समय तक राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और फिर राधा रानी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई। तो ब्रह्मा जी ने अपनी विनती उनके सामने करी और राधा रानी ने प्रसन्न होकर उनकी विनती मान ली। तो फिर उसी समय ये कृष्ण भगवान भी प्रकट हुए मथुरा में, है ना। और तो जिस समय कृष्ण हुए उसी समय ये चल रहा था, तो उनका ठीक है अभी सही समय है, अब ये लीला हो सकती है। तो यहाँ पे अब जो गोलोक में लीला हुई उसके फलस्वरूप राधा कृष्ण की लीलाएं यहाँ होनी ही थी, हैं, और यहाँ विंध्य पर्वत अपना उनको वरदान दिया, तो इस तरह से वो सब मिल जा रहा था। जब राधा रानी ब्रह्मा जी से उनकी विनती को उन्होंने मान लिया, तो उन्होंने स्वीकार किया कि वो विंध्य पर्वत की पुत्री बनेंगी। तो योग माया ने क्या किया कि जो वृषभानु और चंद्रभानु की जो पत्नी हैं उनके गर्भ में जो दो पुत्रियां थीं उनको ट्रांसफ़र कर दिया विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में, ये योग माया ने किया, है ना। और उसी समय वहां पे कृष्ण लीला भी हो रही थी, कृष्ण और बलराम उधर चले गए और कृष्ण का अवतार हुआ, है, कृष्ण प्रकट हुए और वसुदेव ने वहाँ से कृष्ण को वृंदावन में छोड़ के यशोदा माता के पास और योग माया को वहाँ से ले आए। तो ये उधर चल रहा था और यहाँ पे ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जब योग माया को, जब आठवें संतान हो गया है ये खबर जब कंस को मिली, तो कंस आए वहाँ पे और उन्होंने देखा तो पुत्री है, तो कंस ने उसको लिया और मारने के लिए जब फेंका तो वो योग माया बन गई। और योग माया ने वहाँ पे भविष्यवाणी करी कि कंस तुम्हारे को जो मारने वाला है वो तो ऑलरेडी है, आ चुका है, है ना, और वो तुम्हें मारेगा। तो और साथ ही साथ उन्होंने बोला उनके साथ साथ आठ महासखी भी जन्म ली हैं जो उनकी लीला में भाग लेंगी और जो बहुत पावरफुल हैं।
तो कंस तो डर गया और कंस ने फिर क्या किया, पूतना को उन्होंने आदेश दिया कि जो भी रिसेंटली जो भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं आसपास सबको मार दो। तो पूतना का तो यही काम ही था, है ना, तो वो निकली। तो पूतना ने क्या किया कि ये जो दो कन्याओं का जन्म हुआ था विंध्य पर्वत के घर में, उनको लेके वो वहाँ से चली, है ना, और वहाँ उनको लेके चली। तो विंध्य पर्वत को पता चला कि मेरी तो दोनों पुत्रियों को कोई राक्षसी लेके गई, तो उसने ना ब्राह्मणों से कहा कि आप प्रार्थना करो और मंत्रों का जाप करो ताकि मेरी पुत्री की रक्षा हो। तो ब्राह्मणों ने जाप किया, तो ये ब्राह्मणों के मंत्रों के जप से पूतना की ताकत थोड़ी कम होती जा रही थी। तो ये पूतना उड़ते हुए जा रही थी, तो इसकी ताकत जब कम हुई तो एक पुत्री इसके हाथ से छूट गई और वो पुत्री गिरी विदर्भ देश में, है ना। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनको पाला। तो विदर्भ देश के राजा ने 5 साल तक उनकी देखभाल किया और उसके बाद जामवान वहाँ आए और जामवान ने विदर्भ देश के राजा से मिलने के बाद उनको ले लिया और उनका नाम आगे जाके हुआ चंद्रावली। और जो दूसरी पुत्री थी उनको वो लेके अभी भी उड़ रही थी, है ना। तो जो मंत्र वहाँ जाप चल रहा था तो उसकी वजह से और ताकत कम होती जा रही थी। तो दूसरी जो पुत्री थी वो जाके जो ब्रज का जो एरिया था उसमें गिरी। तो वहाँ गिरने के बाद जो पूर्णमासी जो हैं उनको वो मिली और उन्होंने उसे मुखरा को दिया। तो उन्होंने वो पुत्री को उनको दिया और बोला कि ये वृषभानु की पुत्री है और वही उनका नाम हुआ राधा। जय जय माधव जयते,